हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8 से एग्जांपल नंबर 10। इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो जो अभी हमने यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो अगर हम यहाँ पे इस एंगल को इसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब 65 को 90 माइनस थीटा करके चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा, अगर कॉट थीटा हम लिख सकते हैं तो कॉट थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा। तो इसी तरह से यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो हमें यहाँ a की वैल्यू फाइंड करनी, एक ही वेरिएबल है तो एक इक्वेशन इनफ है। तो अब यहाँ पे देखो, ये साइन है और ये कॉस है, तो यहाँ पे तो इसको इक्वेट कर नहीं सकते। तो या तो आप कॉस को साइन में चेंज करो, या फिर यहाँ पे साइन को कॉस में चेंज करो। अगर यहाँ पे हमने साइन को कॉस में चेंज कर दिया तो ये भी कॉस हो जाएगा, ये भी कॉस हो जाएगा, तो दोनों साइड कॉस है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम साइन को कॉस में कैसे चेंज करें? तो इस तरह के एंगल जब भी आते हैं तब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखो, क्योंकि हमें पता है कि देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइन थीटा की जगह हमें क्या पुट करना है, कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन थीटा हमें गिवन है, हमें इसको कॉस में चेंज करना है। तो आप यहां पे देखो, साइन थीटा अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन 3a, इस थीटा की जगह हम 3a करें तो 3a हमारा, साइन 3a किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने, ये हमारी आइडेंटिटी थी, और इसकी जगह पे मैंने, क्योंकि मैं 3a की, साइन 3a की वैल्यू पुट करनी, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा की जगह 3 साइन 3a पुट कर लिया। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे साइन 3a की जगह क्या पुट करें, साइन 3a की जगह हम पे हम पुट कर रहे हैं कॉस 90 माइनस 3a। तो अब इससे हमारे साइन साइन इक्वल हो जाएंगे, कॉस कॉस इक्वल हो जाएंगे, सॉरी देखो दोनों के राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू हमारा क्या हो गया, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब आप एंगल्स को कंपेयर करो, क्योंकि कॉस से कॉस तो हमारा इक्वल हो गया, तो एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे। तो कंपेयरिंग एंगल्स, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे देखो 90 माइनस 3a हमारा इक्वल हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री के। अब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हमारी इक्वेशन बन गई। तो आप देखो यहाँ पे 3a नेगेटिव है, तो हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, 26 को उधर और 3a को इधर। तो दिस इंप्लाइज 90 माइनस 26 इधर आके प्लस 26 हो गया, और ये a यहाँ पहले से माइनस 3a इधर आके प्लस 3a हो गया। तो 90 प्लस 26 हमारा हो गया 116 इक्वल टू 4a हो गया। a की वैल्यू चाहिए तो 4 यहाँ मल्टीपल में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू a। फोर की टेबल से डायरेक्ट कैंसिल कर लो, फोर की टेबल में 11 तो नहीं आएगा, 2 टाइम 8 आया, 9 10 11 36, तो 9 10। तो दिस इंप्लाइज 29 डिग्री इक्वल टू a। तो वैल्यू हमारी a की कितनी आ गई, 29 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये हाँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी को उल्टा लिखना है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में कॉस 90 माइनस थीटा करके लिखा था, अब यहाँ पे हमने इसको इधर से लिखा है, वहां पे उसको इधर से लिखा था। तो ये आप दोनों साइड से यूज कर सकते हो इस आइडेंटिटी को। तो अभी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।